पूरे देश में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की। इस दौरान उनके समर्थन में कुली भी उतर आए हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की हरिद्वार शाखा ने 8 जनवरी से रेलवे जंक्शन पर 4 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की थी। इस दौरान NRMU के शाखा सचिव अजय तोमर ने कहा कि पूरे देश के साथ हरिद्वार में भी क्रमिक भूख हड़ताल है। इसमें हरिद्वार के कुलियों ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं यह हड़ताल 11 जनवरी तक चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए घातक है और इस स्कीम में किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है। इसमें महंगाई भत्ता, बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा गारंटी का भी प्रावधान नहीं है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। पूरे देश में, पूरी इंडिया के अंदर भूख हड़ताल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा की जा रही है और कल हमारा अंतिम दिन होगा। अगर इस पर भी सरकार नहीं चेतती है तो हमारे महामंत्री जी के निर्देशन में एक कमेटी है, JCM कमेटी है। उस कमेटी में निर्णय लिया गया है कि मार्च तक अगर हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू नहीं करती तो मार्च के माह में रेल रोको अभियान होगा। और जब तक रेल का चक्का जाम रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल सरकार नहीं कर देगी। हमने भी रेलवे कर्मचारियों का समर्थन किया है। तमाम भारतवर्ष में जो है रेलवे कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं और बहुत दिनों से जो है पुरानी पेंशन लागू होने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं। आज हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन के समस्त कुली जो है समस्त रेलवे भाइयों का समर्थन करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पुरानी पेंशन लागू करे और ये नई वाली पेंशन को जो रद्द करे। मैं 2004 के बाद भर्ती हूँ और जो हमारे पुरानी पेंशन पिछले 2004 से पहले की थी वो मिलती थी, अब आगे हमारी बंद कर दी गई है। और OPS लागू करने की सरकार से हमारा ये निवेदन है कि OPS लागू करें। हमें बहुत परेशानी होती है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है।